मध्य प्रदेश के डबरा में प्रदेश की बहुचर्चित विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी को चुनाव हराकर सुर्खियों में आए कांग्रेस विधायक सुरेश राजे द्वारा डबरा के तिवारी मैरिज गार्डन में नववर्ष मकर संक्रांति मिलन समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उन सभी कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया जिन्होंने विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान सुरेश राजे ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के समर्थन में है। राजे ने नारे लगाते हुए कहा कि जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। वहीं पर तिवारी मैरिज गार्डन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर निगम चुनाव प्रभारी आशीष द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया और कहा कि आने वाले नगर निगम चुनाव में इसी तरह का दमखम कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश में किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है हमारी पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है और हमारा हर एक कार्यकर्ता उनके सम्मान में खड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेसी मीडिया प्रभारी दिव्यांग दुबे ने बताया है कि 13 जनवरी को आने वाली किसान यात्रा का डबरा में भव्य स्वागत किया जाएगा, उसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया जिन्होंने हमें डबरा विधानसभा से जीत दर्ज कराने में बड़ी मेहनत की है। आज हर एक कार्यकर्ता का सम्मान कांग्रेस ही करती है। इसके लिए कांग्रेस विधायक एवं कांग्रेस पार्टी की ओर से तिवारी मैरिज गार्डन आज जो कार्यक्रम रखा गया है क्यों रखा है, क्या उद्देश्य है? आज के हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा जो कार्यकर्ता था जिसने जी जान से हमारे विधानसभा में चुनाव लड़ा और समाज चुनाव में जीत दिलवाई तो उस कार्यकर्ता का सम्मान बहुत ज़रूरी था। इसलिए आज का जो कार्यक्रम रखा गया वो कार्यकर्ता सम्मेलन उस कार्यकर्ता के सम्मान के लिए रखा गया था। दूसरा कि आने वाले सब जो नगर निगम के चुनाव हैं हमारे उसमें जो हमारे प्रभारी थे आशीष जी उनको आना था आज तो उन्होंने आके मीटिंग ली और कार्यकर्ताओं को उन्होंने उद्बोधित किया जिसका कि परिणाम हमें आने वाले चुनाव में मिलेगा और संगठनात्मक उनको क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है इस बारे में चर्चा की गई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू था जो किसान आंदोलन चल रहा है जिसकी अभी हमारी 13 तारीख को पूरी ताकत के साथ उसका हम जो अभी किसान यात्रा आ रही है हमारी उसका स्वागत किया जाएगा और किसानों के साथ आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ खड़ी है जिसका परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को जरूर मिलेगा। ऐलान तो वो कर गए, उनका कैंडिडेट निपट गया, अब उनके ऐलानों को मॉनिटरिंग आपको करना है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ मॉनिटरिंग आप करेंगे वो काम कराना नहीं चाहेंगे लेकिन नंगा करने का काम उनको नंगा करने का काम आपको करना है। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने धन्यवाद सभा को रखा। मैं दूसरा पॉइंट मेरा जी साथियों अभी एक किला तो आपने डबरा के लोगों ने फतेह कर दिया, दूसरा किला आपके सामने फिर आ रहा है कॉरपोरेशन का चुनाव और उसके बाद आएगा तीसरा चुनाव पंचायतों का चुनाव। तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि ये विधायकी सभी डबरा के लोग सुन ले कि ये आपकी विधायकी तभी कामयाब विधायकी मानी जाएगी जब आप डबरा नगर पालिका का अध्यक्ष अपना बना लोगे, नहीं तो ये विधायक की आपकी याद ही अधूरी मानी जाएगी। डबरा नगर पालिका का अध्यक्ष और आपकी जो नगर पंचायत है चाहे आपकी पिछोर हो आपका विलगुआ हो ये नगर पंचायत और नगर पालिका आपकी डबरा की जीतेगी तो डबरा में आपकी सरकार जैसी रहेगी जो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता। तो अब आपको आने वाले निकट भविष्य में कॉरपोरेशन के अनाउंस होने वाले हैं, डेट आ जाएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी घबराहट में डेट बढ़ा दी उन्होंने लेकिन कराएंगे चुनाव तो उन्हें कराना ही है। तो आप लोग